हाय फ्रेंड्स, आज मैंने संडे राइड का प्लान किया है विक्रम के लिए। ये प्लान मेरा और राजीव का है, विक्रम के फ्रेंड का और मेरा, क्योंकि विक्रम थोड़े अपसेट है आज, क्योंकि कल रात को थोड़ा हम दोनों के बीच खिटमिट हो गया था, थोड़ा झगड़ा हो गया था कुछ इश्यूज को लेके। सो उसका मूड रिफ्रेश करने के लिए प्लान मैंने बनाया है राजीव के साथ। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूट्यूब वासियों। सो प्लान तो था सुबह का, लेकिन वो पोस्टपोन होके दोपहर के टाइम हो गया, क्योंकि विक्रम को एडिटिंग भी करना था। वो खुद सीख भी रहा है एडिटिंग और खुद कर भी रहा है, तो एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड करता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। इसलिए सुबह का जो हमारा राइड था वो दोपहर के टाइम शिफ्ट हो गया। तो आपसे हम सीधे मिलते हैं बाइक पे। के बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई, हम लोग को काफ़ी तेज़ बारिश मिली है, उसकी वजह से मैं यहाँ से घर से निकलने के बाद एक जगह हम लोग रुके, उसके बाद ये तो बैठी हुई है, ये भी पूरी, मैं भी पूरा रेनकोट पहनने के बाद भी भीग चुका हूँ गाइज। और घर से निकलने के बाद एक जगह हम लोग रुके थे, सोचा था कि बारिश रुक जाएगी, बट रुकी नहीं, हम लोग वही भीगते भीगते आए हैं। और यहाँ पर भी जहाँ रुके हैं जस्ट टोल प्लाज़ा के जस्ट बाजू में, ये टोल प्लाज़ा है और जस्ट टोल प्लाज़ा के बाजू में हम लोग रुके हुए हैं। और अभी हम लोग एक्चुअली मैं अब ये बूट पहन के आया हूँ, तो मेरे को लगा था कि ये बूट राइडिंग बूट ये जो है वाटरप्रूफ होगा, लेकिन ये वाटरप्रूफ क्या, ये वाटर लीकेज वाला बूट निकला, पूरा पानी भर चुका था। एंकल लेंथ का बूट है और एंकल तक ही पानी भरा हुआ था। अभी चल रहा हूँ तो पानी निकल रहा है, अदरवाइज़ नहीं निकल रहा था। मेरे को शायद हो सकता है कि इस अक्टूबर और जुलाई के राइड के लिए मेरे को उसके पहले एक अलग बूट लेना पड़ेगा, जो वो शायद अभी देखते हैं क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और इसका हालत अभी ऐसा है, तो फिलहाल जो अभी हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, राजीव का वेट करते हैं। राजीव जब तक आता है तब तक हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि बारिश भी काफ़ी होने वाला है और वेदर भी कुछ सही नहीं है। फाइनली जो है अभी हम लोग कोलाघाट आए हुए हैं। हम लोग का जाने का प्लान कहीं और था, बट अब आगे जा नहीं सकते हैं, तो फिलहाल जो है कोलाघाट आए हुए हैं। और बारिश की वजह से मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया, बट मैं फिर भी कोशिश किया कि कुछ शॉट्स ले लूं। तो अभी जो फिलहाल है बैठेंगे यहाँ पे, चाय पानी कुछ खाएंगे और खा के फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलेंगे, यही प्लान है ना। आप मुझे धक्का दे दे के निकाल दो। आ तो गए कोलाघाट, जगह ही नहीं मिल रहा है शेरे पंजाब में, पता नहीं यहाँ जगह मिलेगा भी कि नहीं, whether we have to stand and eat or not, I don't know. तो देखते हैं, let's see, वेट कर रहे हैं कि कहाँ पे जगह मिले खाली हो, या फिर हम लोग बैठ के थोड़े चाय कॉफ़ी
समोसे कुछ खा सके, समोसा कुछ खा सके, तो लेट्स सी। हाँ फाइनली जगह मिल गया है, हम लोग अंदर है। इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस। फिलहाल मैं जाके अपना कॉफी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे बाद में बताती हूँ। यहाँ से घर के लिए वापस निकल रहे गाइज, और अगर मैं मीडिया मॉड के साथ कनेक्ट करके अगर मैं व्लॉग ले पाया तो लूँगा, क्योंकि बारिश हुई थी अभी बीच में, अभी फिर से रुकी है। और अगर अभी रिस्क नहीं लूँगा, देख लेता हूँ, अगर हुआ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं वाटरप्रूफ ही गोप्रो को कनेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा घर के लिए। लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं मीडिया मॉड के साथ कनेक्ट करूँगा या फिर सिर्फ गोप्रो को ऐसे ही कनेक्ट करूंगा। फाइनली मोटो व्लॉग मैं कर पा रहा हूँ, बारिश तो अभी नहीं है, पता नहीं कितने देर तक मैं कर पाऊंगा मोटो व्लॉग, मुझे नहीं मालूम, बट जितना देर भी कर पाऊंगा बट मैं करूंगा। और फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मोटो व्लॉग बना पा रहा हूँ, आई एम वेरी रियली हैप्पी। और राजीव जो है आज अपना KTM लेके नहीं आया, वो ड्यूक लेके नहीं आया, ADV, वो अपना बुलेट लेके आया था आज, क्योंकि वो बारिश की वजह से वो बोला नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, लेकिन इसलिए वो जो है आज सिर्फ अपने बुलेट पे आया है, बुलेट राजा और एक बुलेट राजीव। राजीव अपने घर निकलने वाला है और वो कल हम लोगों का एक और प्लान बनाया। अब वो प्लान जो है वो राजीव मेरे घर आने वाला है एक्चुअली, तो कल वो आएगा, बट वो अभी यहाँ से जो है निकल जाएगा और मैं सीधा घर, और घर जाके खाना खाऊंगा और क्या, घर पहुँचे पहले। ये कहाँ जा रहा है राजीव? राजीव तो घर जाने वाला था, ये इधर क्यों जा रहा है? अभी राजीव यहाँ से अपने घर निकलेगा और बारिश भी फिर से स्टार्ट हो रही है, हम लोग यहाँ से घर निकल रहे हैं। और राजीव मेरा भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई, सब लोग यूट्यूब पर प्यार भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, बस लाइक कमेंट जरूरी है। सो प्लीज गाइस, अभी हम लोग यहाँ से घर निकल रहे हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट है फिर से, तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं सीधा आपको घर पे ही मिलता हूँ। घर वापस आ चुके हैं और राइड में काफी हम लोगों ने मजा किया एक्चुअली, पूरा भीगते गए, बट हाँ रेनकोट था, सब कुछ था, प्रिपरेशन था, उसके बाद ही हम लोग निकले थे घर से। बट ये भी था, हम लोगों को मालूम कि वेदर ख़राब है और बारिश होगा ही होगा, तो हम लोगों को बारिश मिला भी, हम लोगों ने इन्जॉय भी किया काफ़ी राइड को। और हम लोग गए थे कोलाघाट, क्योंकि मैं बीच में मोटर ब्लॉक कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा जो गोप्रो था वाटरप्रूफ था, बट अगर मैं मीडिया मॉड कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए मैं सिर्फ फुटेज लिया था और इसीलिए मैंने मीडिया मॉड, आपको ऑडियो नहीं आया होगा। तो फिलहाल जो है गाइस एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे नेगेटिव बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होती हैं और हम लोगों के साथ भी होती है, ऐसा नहीं कि हम लोगों के साथ नहीं होता, हम लोगों के साथ भी होती है, इसके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, तो हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और अपने ड्रीम पे जो है फोकस बना के रखे हैं, हम लोगों को जो चाहिए, हम लोगों को जो करना है हम लोग वो करेंगे। और एक बात, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा बीमारी है, तो वो बीमारी को आप अपने अंदर मत रखिए, उनका हल निकालिए, उनका भी मेडिसिन है, तो टेक दैट मेडिसिन। कि लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा हमारे समाज में सबसे बड़ा बीमारी है, हम सब बीमार हैं, तो वो चीज़ दिमाग में मत लगिए कि ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, नहीं, आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हैं, बस दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बाकी सब क्या सोचते हैं नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है।
और हाँ गाइज, और एक बात कहना चाहूँगा, हम लोगों का जो राइड का, जो मैं जैसा मैं बता रहा था प्रीवियस ब्लॉग में कि हम लोगों का राइड का प्लान हुआ है, हम लोगों का 3 राइड का प्लान हुआ है, एक जुलाई में, एक अक्टूबर में और एक विंटर राइड दिसंबर में। और जो विंटर राइड है और जो अक्टूबर का राइड है वो लंबा राइड होगा, और जो जुलाई का जो राइड है वो मे बी 2 या 3 दिन का राइड होगा। तो वो अगर विदाउट वैक्सीनेशन अगर हम लोगों को अदर स्टेट अलाउ किया जाता है तो हम लोग जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर राइड जो है जुलाई का वो मे बी शायद 1 दिन या 2 दिन का होगा, और अगर अदर स्टेट जा तो जैसा होगा मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो गाइज़ प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ, और एक घंटा भी है उस पर डंडा हथौड़ा जो मारना है मारो, उसको बजाओ, घंटे को बजाओ, और वीडियो लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट करना गाइज़। फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल एक नए फ्रेश डे और फ्रेश ब्लॉग के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।